हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आंसर रिवोक्शन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती के संबंध में। एक न्यू भर्ती जो कि यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर निकल के आ रखी है, तो इसमें जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो इसके कितने पद हैं, क्या यहाँ पर योग्यता रखी गई है, तो पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो नई वैकेंसीज है शिक्षकों की। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, क्लेमेंट टाउन कंटेनमेंट बोर्ड में जो है वैकेंसी निकल के आ रखी है असिस्टेंट टीचर की। और इसके लिए यहाँ पर क्या क्या योग्यता चाहिए, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा इसमें। तो इसमें जो पोस्ट है आपके, टोटल दो पोस्ट रखी गई है, एक तो ओबीसी की है, एक जनरल की रखी गई है। और पे इसके अलावा लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2800 ग्रेड पे यहाँ पर पे है। और वहीं यहाँ पर आपका जो एज रखा गया है वो 18 से 25 के बीच में आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और SC ST OBC को यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं SC ST वाले को 5 साल का है, यहाँ पर OBC वाले को 3 साल का है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इनके लिए कर सकते हैं अप्लाई, जो भी यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थी हैं या इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखते हैं। क्वालिफिकेशन आप लोग देखिए, जो पोस्ट आपके यहाँ रखी है वो आपके यहाँ पर जो कंटेनमेंट जूनियर हाई स्कूल है, ठीक है, क्लेवन टाउन में, यहाँ पर असिस्टेंट पोस्ट टीचर की जो है पोस्ट निकल के आ रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं कि BSc मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, अदर साइंस। तो ये आपके पास अगर है BSc में मैथ्स या आपके पास फिजिक्स या केमिस्ट्री, जूलॉजी, इनमें से कोई भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपके पास BEd में 50% अंक होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मिनिमम जो है आपके पास 50% अंक होना ज़रूरी है, CTET होना चाहिए आपके पास, या TET क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास UTET भी है तो आपका चलेगा, अगर CTET भी है तो भी चलेगा, ठीक। और वहीं यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस जो है आपके पास 500 रुपया रखा गया है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, OBC में आते हैं। बाकी तो आप जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 300 रुपये रखा गया है, ठीक। और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है इस वेबसाइट से, ठीक है, www.contentmentboard, ठीक है, recruit करके है .org है। तो यहाँ से आपको आवेदन करना है। और आवेदन करने का यहाँ पर जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑनलाइन का, वो 16/8/2021 है। तो 16/8 से पहले पहले आपको कर देना है। और लास्ट जो डेट रहेगी रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 15/9 तक आपका रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें, यहाँ पर सिलेक्शन मोड किस तरह का होगा, तो इसमें जो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा 100 नंबर का, मैक्सिमम जो है 100 नंबर का यहाँ पर आएगा। और एक एक आपका यहाँ पर जो है प्रश्न होगा 1 नंबर का। नो नेगेटिव मार्किंग आपके पास जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का प्रश्न पत्र आपका रहेगा, ठीक है। तो सिलेबस जो रहेगा इसका, वो आपका रहेगा जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ठीक है ना, CTP रहेगी आपकी, और लैंग्वेज, ठीक है ना, मतलब आपका CTP रहेगी इस चीज़ की यहाँ पर है। और आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपके पास यहाँ पर जो क्वालिफाइंग होगा 50% रहेगा, और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, बाकी तो आपके मेरिट बनेगी वैसे। और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है मार्क दे रखे हैं, कितने कितने मार्क्स का आपका यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, या मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। जो भी यहाँ पर इसका PDF लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके इंस्ट्रक्शन पूरे पढ़ सकते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, पूरा लिखा गया है, आप पढ़िएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया मेन मेन चीज़ें, जैसे कि आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, और एज बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। और यहाँ इसके बीच में आपको अप्लाई करना है 16, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का आपका अप्लाई करना है, फीस इसे रिसीव करने का सब कुछ लिखा गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और बाकी तो मैंने यहाँ वो क्वालिफिकेशन बता दी है, UTET या CTET कोई भी चलेगा आपके पास, और पेपर का पैटर्न भी बता दिया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, पोस्ट कम है भले, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।